हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो कुछ दिनों से मुझे ये रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ से आ रही थी कि मैं हमेशा आप लोगों को ऑनलाइन काम बताता हूं करने के लिए। मैं कुछ ऐसे काम नहीं बताता, ऑफलाइन काम नहीं बताता जो आप में से हर कोई कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मोबाइल वगैरह चलाना नहीं आता, इंटरनेट वगैरह यूज़ करना नहीं आता। तो उनके क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि कुछ ऐसे काम बताएं जो आप में से सारे ही लोग कर सके, जहाँ पे ऑनलाइन आने की जरूरत ना पड़े, जहाँ पे आप जो है ट्रेडिशनल जैसे तरीके हैं उनसे भी आप वो काम कर सके। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज लेके आया हूँ जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट या फिर आप कह सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। बिना कुछ पैसे लगाए आप इन कामों को स्टार्ट करके महीने के 15,000-20,000-25,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं और आपको यहाँ पे इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है जो अभी बेरोजगार है, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ की गारंटी वीडियो के शुरू में ही दे देता हूँ कि अगर आप इनमें से कोई भी काम ट्राई करेंगे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ तो आप डेफिनेटली पैसा कमाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ऐसे वीडियोस फ्यूचर में हम जब भी लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही साथ अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई सवाल होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भेज सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज लाइक नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाओ चेक करो, लाइक करो। अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो भेजो, अगर आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करा सकते हैं अपने घर बैठे, राइट। आज की डेट में मोबाइल हम सभी के पास है और 2022 तक ये उम्मीद की जा रही है कि इंडिया में 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ा मार्केट है आप लोगों के लिए अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीख लेते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, 5-10 हज़ार रुपये में आप कोर्स सीख सकते हैं तो आप महीने के 15,000-20,000 आराम से कमा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बार कोर्स सीखना है और कोर्स सीखने के बाद दोस्तों आप अपने घर बैठे काम करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास यू नो बोर्ड वगैरह लगा सकते हैं कि भाई आप ये जो है रिपेयरिंग का काम करते हैं, किसी का अगर मोबाइल ख़राब हो जाए तो वो आपको ला के दिखा देगा। इसके अलावा दोस्तों आप मार्केटिंग के लिए ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपसे मोबाइल सही करा के जाता है उनको एक महीने तक की उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं ठीक करने के बाद भी। यानी कि अगर ठीक करने के बाद मोबाइल आपसे कोई कमी आ जाती है एक महीने तक तो वो भी आप फ्री में करके देंगे। तो ऐसे दोस्तों आप यू नो आप अपने एक ग्राहक अपना जो वहाँ पे अपने एरिया में बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छा खासा काम आप लोगों के लिए रह सकता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इनिशियल लेवल पे आप जो है अपने घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस अच्छा बिल्ड हो जाए तो आप अपना एक वर्क स्पेस भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। और अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से होते हैं ये सारी चीज़ें, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना। अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा टिफ़िन सर्विसेज़ को। शहरों में दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे अगर आप शहर में रहते हैं, फिर ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे बाहर से लोगों का बहुत आना होता है तो वो घर के खाने की तलाश करते हैं। आप होटल का खाना एक दिन खा सकते हो, दो दिन खा सकते हो, तीन दिन खा सकते हो, बट अल्टीमेटली घर का खाना होता है वही लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। बाहर का खाना आप थोड़े दिन खा के देखो आपका पेट खराब होने लग जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे टिफिन सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आपके आसपास जो है स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं या फिर ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरे शहर से आपके शहर में या दूसरे गाँव से आपके शहर में यू नो काम की तलाश में या फिर काम करने आए हुए हैं तो आप यू नो टिफिन सर्विसेज प्रोवाइड करा के अपना एक स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा सा स्टार्टअप। और अगर आपका काम निकल पड़ता है तो आप इसको बड़े स्केल पे भी ले जा सकते हैं। अगर आपको खुद को खाना नहीं बनाना आता तो आप अपनी माताजी के साथ मिलके कर सकते हैं, आप अपनी वाइफ के साथ मिलके कर सकते हैं, या फिर आपका कोई दोस्त या कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा जिसको खाना बनाना आता है उसके साथ मिलके कर सकते हैं। आप उसकी मार्केटिंग करें कि भाई आप जो है टिफिन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, आप क्लाइंट्स लाए और ऐसे जो है आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा काम हो सकता है, इसमें भी महीने के आप 15-20 हज़ार रुपए आसानी से कमा सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो आपके काम पर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग को, यानी कि MLM को। अब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ऐसे में जैसे जैसे आप उनके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और अपने नीचे जो है एसोसिएट्स मेंबर को बनाते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी भी अर्निंग बढ़ती है, आपके जो नीचे काम कर रहा है उसकी भी अर्निंग बढ़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे फ्रॉड भी लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज है, बेकार कंपनीज भी है। ऐसा सच भी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज भी आ रही है, लोगों को बेवकूफ बनाती है नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में, MLM के चक्कर में। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, सारी ही कंपनीज फ्रॉड नहीं होती,
राइट। MLM पे हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसको आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि MLM होता क्या है, किस तरीके से विदाउट इन्वेस्टमेंट इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों ने कोई ग्रेजुएशन की डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, अगर आप 10th पास भी है, 12th पास भी है, तब भी आप स्टार्ट करके ये काम करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और इसका भी दोस्तों पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है महीने के। आप जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग काम करते हैं वो तो कहेंगे कि आप महीनों के लाखों रुपए कमा सकते हो, बट यहाँ पे मैं एज अ सेफ साइड लेके चलता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आप इस फील्ड में नए आए हैं तो ये उम्मीद तो की जा सकती है कि अगर आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो आप महीने के 10-15,000-20,000 रुपए आसानी से यहाँ पे भी कमा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा काम हो सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा ट्रैवल एजेंसी को। अब ट्रैवल एजेंसी क्या होती है, यानी कि आप जो है लोगों के ट्रिप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों के टिकट्स को बुक कराते हैं, लोगों के होटल को बुक कराते हैं, ये भी अपने में बहुत बड़ा मार्केट है। मैं ये मानता हूँ कि आज की डेट में लोग जो है ऑनलाइन जाते हैं, ज़्यादातर वहीं से बुकिंग कर लेते हैं, बट यहाँ पे आप लोग ये भी सोच के रखें कि ज़्यादातर लोगों को हमारे देश में आज भी जो है टिकट बुकिंग वगैरह करना नहीं आता। इंटरनेट आज की डेट में हमारे देश में फैल चुका है, ये बिल्कुल सही बात है, बट ज़्यादातर लोगों को सिर्फ इंटरनेट में व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, यूट्यूब देखना, यही तीन चीज़ें आती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप उनसे पूछोगे कि भाई गूगल में सर्च कैसे करना है, टिकट्स कैसे बुक करनी है, ट्रांजैक्शन कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें आज भी इंडिया में लोगों को नहीं आती, डिजिटल लिटरेसी की बहुत कमी है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए एक मौका रह सकता है, आप अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए टिकट्स बुक करा सकते हैं, लोगों के पास जाके अगर उनको कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है उनके लिए कैसे अरेंजमेंट करने हैं, सारे ये सारी चीज़ें करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ फंड्स है तो आप एक सेपरेट जगह ले सकते हैं, या फिर अपने साथ कुछ मेंबर्स को रख के, कुछ लोगों को रख के काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा मौका आप लोगों के लिए हो सकता है। अगर हम अर्निंग की बात करें तो दोस्तों यहां पे भी आप लोग 10-15,000-20,000 रुपए आसानी से अर्न कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, ज्यादा कुछ पैसे लगाने की यहाँ पे आप लोगों को जरूरत नहीं है इनिशियल लेवल्स पे, राइट। तो ये भी काम आप लोगों के लिए रह सकता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पांचवें नंबर पे मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। अब इंश्योरेंस एजेंट ऐसा फील्ड है जहां पे दोस्तों अर्निंग मैं यहाँ पे 10-15,000 रुपए बता रहा हूँ महीना, बट अर्निंग यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करती है कि आप यहाँ पे कितना काम करते हैं। आप लोगों के पास जाते हैं, इंश्योरेंस सेल करते हैं, आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट कैसे बनना है इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरीके से अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो। अर्निंग की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अर्निंग फिक्स नहीं है, यहाँ पे आप लाखों रुपए भी कमा सकते हो अगर आप उस हिसाब का काम करते हो। बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स को मैं जानता हूं जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कारें ले ली, अपना घर खड़ा कर लिया इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस में। इससे अगर आप काम स्टार्ट करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा खासा मौका रह सकता है। यहाँ पे भी दोस्तों आप जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करना शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए है, ये काम आपके लिए है, आप अच्छा काम करके यहाँ पे भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर पर यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा फोटोग्राफी को। अब फोटोग्राफी एक ऐसा काम है जो बहुत एक अंडररेटेड काम है, जिसको लोगों ने ढंग से समझा नहीं है। अगर आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि मुझे फोटोग्राफर बनना है तो आपके पेरेंट्स कहेंगे यार ये क्या बात कर रहा है, फोटोग्राफर रहने दे, तो यहाँ पे इंजीनियर बन, या फिर कोई ऐसा काम कर, बैंक में लग, इस तरीके के कामों को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा हम इन सारे कामों की रिस्पेक्ट करते हैं। बट मैं आप लोगों को बता दूं, फोटोग्राफी का मतलब सिर्फ शादियों में खड़े होकर फोटोग्राफी करना नहीं होता, फोटोग्राफर भी बहुत सारे तरह के होते हैं। मैरिज फोटोग्राफर तो होते ही होते हैं, जो शादी वगैरह में, शादी फंक्शन में आप कह सकते हैं फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। इसके अलावा फैशन फोटोग्राफर होते हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं महीने के। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को अपना पैशन पहचानना है, फोटोग्राफी एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है। यहाँ पे भी आप विदाउट इन्वेस्टमेंट या फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आप कैमरा रेंट आउट कर सकते हो, जब भी आपका कोई शूट आता है या फिर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है तो 200-500 रुपये में कैमरा आपको एक दिन के लिए किराए पर मिल जाता है। अगर आपका काम पूरा हो जाता है तो आप कैमरा दे सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों पर शूट के लोग 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक फोटोग्राफी का करियर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इसके लिए पैशनेट है, और आप में से कोई भी बन सकता है। एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास कोई भी डिग्री है या नहीं है, आप अगर बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सातवें नंबर पर यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। ब्यूटी पार्लर आज की डेट में बहुत फेमस हो रहा है, आपके चारों तरफ जो भी लेडीज़ होती है वो ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर्स में जाती है। और ऐसे में दोस्तों अगर आप लड़का है या लड़की है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़के भी ब्यूटी पार्लर खोलते हैं और वो भी वहाँ पे काम करते हैं, या फिर वो अपने अंडर लोगों को रख के भी काम कराते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है।
ऐसा सच कुछ नहीं होता कि जो लड़कियां हैं वही सिर्फ ये काम करेगी, कोई भी आप में से कर सकता है। कमाई इसमें मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा है। आप अपने घर में स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके आसपास कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है, या फिर आप यहाँ पे दोस्तों कोई ऐसा स्पेस लेके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आज की डेट में तो दोस्तों आप होम सर्विस भी प्रोवाइड करा सकते हो अगर आपके कोई जान पहचान वाला हो, या फिर आप ऐसा बंदा हायर कर ले जो आपके लिए काम करे। आप क्लाइंट लेके आए और आप जो बंदा हायर कर रहे हैं वो घर पे जाके सर्विस प्रोवाइड करके आए, यानी हेयर कटिंग वगैरह हो गया वो उनके घर पे ही क्लाइंट के जाके करके आ जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अर्बन क्लैप वगैरह आप लोगों ने ऐप का नाम सुना होगा जो आपको होम बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो ज्यादातर लोगों को इस ऐप के बारे में नहीं पता, बट आप अगर करना चाहो, आप अपने घर के आसपास यू नो शुरू करना चाहो, बोर्ड्स वगैरह लगा दो, तो ऐसे में आपके पास ग्राहक आने लग जाते हैं और आप यहाँ पे अच्छा खासा काम करना शुरू कर सकते हो। तो इस काम से भी आप दोस्तों महीने के 10-15,000-20,000 रुपए आसानी से कमा सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पे यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा फूड ट्रक को। फूड ट्रक का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में काफ़ी फेमस हो रहा है आज के समय में। चाहे आप छोटे शहरों में रहते हो, बड़े शहरों में रहते हो, गांवों में रहते हो, फूड ट्रक आज की डेट में बहुत फेमस है। अब यहाँ पे फूड ट्रक की भी बहुत सारी वैरायटीज होती है। जो पेट्रोल से चलने वाले यू नो फूड ट्रक होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, उनकी कॉस्ट 2-3 लाख रुपए से शुरू होती है। ऐसे में अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप मैनुअल फूड ट्रक खरीद सकते हो, उसको डेकोरेट करके अलग से प्रेजेंटेशन करके यू नो आप खाने को अपने बेच सकते हो। यहाँ पे जो सारा खेल होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन का होता है। आपने एक रेडी पे बंदा खड़ा है वो भी सामान बेच रहा है और आप भी सामान बेच रहे हो, तो आपका उससे जो है अलग लगना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए, आपका कपड़े पहनने का तरीका होना चाहिए, आपका जो भी फूड ट्रक या रेहड़ी आप हिंदी में कहते हो उसको अगर आप लेके आते हो कम बजट वाली, तो आपको उसको किस तरीके से सजाना है, किस तरीके से डेकोरेट करना है कि जब अगर ग्राहक आए तो उसकी नजर आपके फूड ट्रक पे पड़े, आपकी रेहड़ी पे पड़े। तो ऐसे में ये बिजनेस भी बहुत सॉलिड है। यहाँ पे भी दोस्तों आप महीने के 15-20,000 रुपए आसानी से अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे। यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा आइसक्रीम पार्लर को। अब आइसक्रीम पार्लर भी फूड ट्रक की तरह है, बट यहाँ पे आप फूड बनाते नहीं हो, बनी बनाई आइसक्रीम को बेचते हो। ये भी काम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रह सकता है जिनके पास अभी बहुत कम पैसे हैं लगाने को, बिजनेस करने को। और आइसक्रीम दोस्तों गर्मियों में इंडिया में बिकती ही बिकती है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे भी महीने के 15-20,000 रुपए आराम से अर्न कर सकते हो अगर आप उस जगह पे पहुंच जाते हो जहाँ लोग आइसक्रीम खाने आते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा ट्यूशन क्लासेस को। ट्यूशन क्लासेस आप भले ही कितना भी ऑनलाइन का जमाना आ जाए, कितने भी ऑनलाइन क्लासेस जो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, बट आज भी ट्रेडिशनल कोचिंग क्लासेस का जमाना है, लोग जाते हैं। आज भी दोस्तों स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो है ट्रेडिशनल कोचिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई टीचर हमारे सामने खड़ा है। तो ऐसे में आप लोगों को अगर कोई नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट की तो आप यहाँ पे अपना ट्यूशन क्लास पढ़ाना लोगों को स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों के घर जाके, आप स्टूडेंट्स के घर जाके भी ट्यूशन क्लासेस दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं ट्यूशन क्लासेस में भी। महीने के 10-15-20,000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को सिर्फ मार्केटिंग अपनी खुद की करनी है। आप लोगों ने बोर्ड लगाने हैं अपने आसपास जितने लोग हैं उनको बताना है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में माहिर है उस सब्जेक्ट की आप ट्यूशन देते हैं। और ऐसे में जब भी आपके पास स्टूडेंट्स आने लग जाएंगे तो 15-20,000 जैसे कि मैंने बताया बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसमें भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे वो 10 काम जिनसे करके आप महीने के आराम से 10-15,000 रुपये कमा सकते हो। 10-15,000 तो मैंने यू नो मिनिमम अमाउंट आप लोगों को बताया है। अगर आप लोग मेहनत करते हो इन सारे कामों में तो इन सारे कामों में ही इतना पोटेंशियल है कि महीने के 1,00,000 रुपये से ज़्यादा आप लोगों को कमा के दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इन कामों में कितनी मेहनत करते हो, राइट। ये सारे काम ऐसे काम है जो आप में से हर कोई कर सकता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कोई डिग्री है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप करना चाहें आप काम करके देख सकते हैं और अच्छे खासे महीने के पैसे कमा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना कोई पैसे लगाए। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं ऑनलाइन काम देखना तो उसके बारे में भी हमने आप लोगों को वीडियोस बना के दिए हुए हैं। अगर आप टॉप 10 ऑनलाइन वर्क फॉर इंडिया देखना चाहते हैं या फिर बेस्ट 5 ऑनलाइन वर्क देखना चाहते हैं जो आप कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट या फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आप लोगों को वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप देखें और आप काम करना शुरू करें। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पता लग सके और वो उनको भी फायदा हो सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों को बता दूं हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे, एजुकेशन, ओपिनियन, इंटरेस्टिंग फैक्ट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वीडियोज़ को भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। कुछ वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बाकी आप हमारे चैनल चेक करना ना भूलें। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।